नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश प्रदेश सहित धमतरी जिले में भी शासन की मनाही के बाद भी अर्जुन वृक्ष की बेधड़क कटाई जारी है। आधुनिकीकरण के इस दौर में मानव को दानव भी कहा जा सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिलेवा क्षेत्र के कुरूद विधानसभा के दर्जनों गाँव है जहाँ से भोले भाले किसानों से ये लकड़ी तस्कर औने पौने कीमत पर खरीद कर आरा मिलों तक पहुँचाते हैं। कुरूद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बंगोली के एक कम उम्र और कम हाइट के युवक जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष जो कि लकड़ी की तस्करी में महारत हासिल है, इसलिए इसे छोटा पुष्प कहा जा सकता है। इसके हौसले इतने बुलंद है कि शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेधड़क खुलेआम अर्जुन वृक्ष को काटकर ट्रैक्टरों में भरकर गरियाबंद जिले के राजिम व नयापारा के आरा मिलों में छपा रहे हैं। सूत्रों की माने तो वन विभाग के कुछ अधिकारी के संरक्षण में अपनी मनमानी कर रहे हैं और दबंगाई के साथ शासन प्रशासन का मजाक बनाकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। इस कम उम्र के पुष्पा का कहना है कि कुरूद वन विभाग में बैठे अधिकारी हमारे माई बाप है, उनके जानकारी में भी हम ये काम कर रहे हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि ये कम उम्र और कम कद काठी वाले पुष्पक के हौसले बुलंद है। चारों ओर पर्यावरण की क्षति हो रही है। हरे भरे वृक्ष को किसानों को मोटी रकम का लालच देकर कहवा के पेड़ को काटकर रात के काले अंधेरे का फायदा उठाकर अनेकों मार्ग से नवापारा के बड़े आरा मिलों में खपाई जारी है। लकड़ी माफिया पूरी तरह सक्रिय होकर इस कार्य को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं और वन विभाग की कार्यवाही शून्य के बराबर है। रोजाना ट्रैक्टर में भरकर ले जा रहे हैं। अधिकारियों की संलिप्तता से ट्रैक्टर में कहवा पेड़ की तस्करी हो रही है। लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े 5-7 मजदूर लगाकर आधुनिक औजारों से हरे भरे वृक्षों की बरी चढ़ा रहे हैं। लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद की बात की वन विभाग का कोई अधिकारी भी रोकता है तो बात करवाने की दबंगाई की बात सामने आई है। पड़ोसी जिले गरियाबंद के नवापारा के बड़े आरा मिलों में कहवा वृक्ष के बड़े बड़े गोले देखने को मिल जाएंगे। कुरूद विधानसभा के आखिरी छोर में हरे भरे पेड़ों की कटाई है। चारों ओर माफियाओं द्वारा मजदूर लगाकर बर्बाद करने में